आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्राम। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर कायम हो चुकी है और उसी राह पर चल रही है। एक नया पोस्टर जारी किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सुबह से विवाद देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर से पोस्टर वार छिड़ गई है एक तरह से, क्योंकि इस पोस्टर में जो कुछ लिखा है हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए और आपके मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पोस्टर आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इस पर क्या क्या लिखा है। तो ये पोस्टर आप लोग डिस्प्ले पर देखिए, जिस पर लिखा है योगी जी दिख रहे हैं इस पोस्टर में, और योगी जी के सर पर एक टोकरी में एक बच्चा दिख रहा है जिसे नाम दिया गया है यूपी का। ये उसी तरह का पोस्टर है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो उन्हें जेल से लेकर उनके जो पिता थे वो उन्हें मथुरा छोड़ने गए थे। तो यहाँ पर ठीक वैसी वेशभूषा में श्री कृष्ण के पिता के रूप में योगी आदित्यनाथ को दिखाया है। हालांकि जो गोदी मीडिया है वो योगी जी को श्री कृष्ण बता रहा है, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह से श्री कृष्ण लीला है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर योगी जी की भूमिका दिखाई है श्री कृष्ण के पिता की, और श्री कृष्ण की भूमिका दिख रही है इसमें। उस टोकरी में जो बच्चा है वो उसे नाम दिया गया है यूपी का, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक नाग दिखाया है जिसके कई सारे फन है, जिसमें योगी जी की जो योजनाएं हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश का वो विकास मानती हैं उनके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाग्यशाली योजना। दूसरा लिखा है लव जिहाद कानून। लव जिहाद कानून पे कितना बवाल है आप लोगों को खुद पता ही है। एक तरफ राजनाथ सिंह जो आज योगी जी की तारीफ कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, उन्होंने कभी खुद कहा था लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यानी कि जो समझदार नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हों या और बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, इन फायर ब्रिगेड नेताओं को छोड़कर जिनकी जुबान से कुछ और शब्द निकलते हैं, उन्होंने कभी लव जिहाद को स्वीकारा नहीं। लेकिन यहाँ पर योगी जी लव जिहाद को एक उपलब्धि मानते हैं और इसे उपलब्धियों में अपनी जगह दी है। उसके अलावा वैक्सीनेशन, 4 महीने पहले की तस्वीरें आप लोगों को याद ही होंगी, मैंने आप लोगों को खूब दिखाई, तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाई, भास्कर पर तो रेड पड़ गई इसी बात पर। इतनी सारे अपने गंगा के किनारे, गंगा खुद गवाह इस बात की कि कोरोना के टाइम पर इस कोरोना 2.0 में क्या हशर हुआ था। लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन के तौर पर योगी जी की एक तरह से उपलब्धि गिनाई गई है। चौथा इसमें आप लोग देखिए मिशन शक्ति, ये भी महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई है ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। उसके अलावा उज्ज्वला योजना, एक योजना ये भी। अब इसके बाद इसमें आते हैं योगी जी जिन पर सबसे ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हमने काम किया है। अब आते हैं पोस्टर के उस हिस्से पर जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। आप लोग देखिए योगी जी के चारों तरफ इस पोस्टर में एक मगरमच्छ कोने पर दिख रहा है। उस मगरमच्छ पर लिखा है जिहादी। समझ रहे हैं आप जिहादी किसे कहा गया है, उस जिहादी लिखा गया है। दूसरा उसके बराबर में लिखा है गुंडे, जो लाल कलर से गुंडे, यहां पर गुंडों की अलग संख्या रखी गई है। उसके अलावा जो लेफ्ट हिस्से में आप देखिए, दो सांप एक पर माफिया लिखा हुआ है, तीस चौथे पर लिखा है आतंकवादी। माफिया कौन हो सकते हैं, वो या तो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, बाहुबली है, नेता है जिन पर आजकल ज्यादा कार्रवाई हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है या नीलामी हो रही है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बहुत सारे नंबर लिस्ट हैं जो हो सकता है एक खास समुदाय से आते हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहे हैं जो इनके विपक्ष में कभी रही होगी। लेकिन यहाँ पर जिहादी जो जिस पर लिखा है वह है मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ अलग से बनाया गया और उस पर जिहादी लिख दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई जो माफिया है वही गुंडे होते हैं, गुंडे माफिया होते हैं, यहाँ पर गुंडे को अलग लिखा गया, माफिया को अलग लिखा गया, आतंकवादी को अलग से लिखा गया कॉलम में, और दिखा जाए कि योगी जी के चारों तरफ दुश्मन हैं और उसके बाद भी योगी जी जो है लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सेवा में। ये एक तरह से पोस्टर कम एजेंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरह का एजेंडा किस तरह से सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पोस्टर पर ऑनलाइन काफ़ी सारी बहस चल रही है। इस पोस्टर को सुबह ट्वीट किया गया था बीजेपी यूपी की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल से, उसके बाद इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोगों को जो कुछ कहना है, एक इस तरह का एजेंडा है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि जन्माष्टमी थी कल और कल योगी जी जब मथुरा पहुँचे थे तो उन्होंने सीधा सीधा वहाँ से ऐलान कर दिया कि भाई आसपास किसी गाँव में कोई भी मांस और मदिरा की दुकान नहीं रहेगी। मैंने मथुरा के अपने कुछ फ्रेंड से बात की तो वो वहीं गांव के रहने वाले हैं, 2-4 अलग अलग गांव के हैं, उन्होंने कहा भाई यहाँ बहुत सालों से न एक अंडे की दुकान है, न एक मांस की दुकान है, और ये चीज़ें यहाँ पहले से हैं, इस चीज़ को सब फॉलो यहाँ पर पहले से करते हैं।
बिना बात के क्रेडिट उठाने की कोशिश की जा रही है। मैं ग्राउंड से वहाँ से एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा, तब देखेंगे सच्चाई क्या है, योगी जी क्या क्रेडिट ले रहे हैं या सच में पूर्णतः वहाँ पर वर्जित होगा मांस और मदिरा। हालांकि उन्होंने एक बात की घोषणा भी की है कि इनसे अगर ये व्यवसाय छीना जाएगा तो इन्हें किसी और व्यवसाय में लगाया जाए, इनका यानी कि पुनर्वास किया जाए। अब देखते हैं इस पोस्टर विवाद ये कितना आगे बढ़ेगा, दूसरी पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर आता है नहीं आता है, इस पर और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।